नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्सेस रामगढ़ में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जो नुमलीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड गुवाहाटी की तरफ से यहाँ पे जो अप्रेंटिसशिप की नोटिफिकेशन निकाली गई उसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो आज हम इस वीडियो में इसकी पूरी जानकारी देने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और जो लोग नए होंगे इस चैनल में तो सब्सक्राइब करके बगल का बेल का आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या मांगा है इस फॉर्म को भरने में और कौन कौन से स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगे और किस ट्रेड में कितनी सारी वैकेंसी यहाँ पे नुमलीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड की तरफ से निकाली गई है। तो नीचे में यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स दिए गए हैं, तो जो कैंडिडेट अगर इस फॉर्म को आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग डेट यहाँ पे दिए गए हैं 25 फरवरी 2020 यहाँ पे स्टार्टिंग डेट यहाँ पे दी गई, और जो क्लोजिंग डेट यहाँ पे जो बोला गया ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए 10 मार्च यहाँ पे लास्ट डेट बोला गया। तो जो भी कैंडिडेट अगर इच्छुक होंगे इस फॉर्म को भरने के लिए तो 25 फरवरी से लेकर 10 मार्च तक जो है इस फॉर्म को आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो नीचे में यहाँ पे ट्रेड्स एंड डिसिप्लिन वाइज यहाँ पे दिए गए हैं, क्वालिफिकेशन भी आपको यहाँ पे दिए गए हैं तो किस ट्रेड्स एंड डिसिप्लिन में कितनी सारी वैकेंसी है। तो चलिए मैं आगे यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पे जो फर्स्ट में यहाँ पे बोला गया डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, तो जो कैंडिडेट यहाँ पे डिप्लोमा अगर सिविल इंजीनियरिंग से किए होंगे उसके लिए यहाँ पे जो बोला गया टोटल वैकेंसी आपको 8 बोली गई, जो कि लोकेशन यहाँ पे नुमलीगढ़ यहाँ पे टोटली में आपको लोकेशन यहाँ पे दिए गए हैं। और रिजर्वेशन से यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि एससी के लिए आप है, तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी आप यहाँ से देख पा रहे हो कि किस कैटेगरी में कितनी सारी वैकेंसी है। तो यहाँ पे जो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग के लिए टोटल वैकेंसी आपको यहाँ पे 8 बताई गई थी। और यहाँ पे जो क्वालिफिकेशंस क्राइटेरिया यहाँ पे बोली गई है, तो यहाँ पे डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग यहाँ पे बताया गया है। और जो लोग यहाँ पे डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किए होंगे तो उसके लिए यहाँ पे टोटल वैकेंसी आपको यहाँ पे 6 बताई गई है। और यहाँ पे क्वालिफिकेशंस में आपको यहाँ पे मैकेनिकल का यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। और थर्ड में यहाँ पे जो बोला गया डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के लिए, इसमें टोटल वैकेंसी आपको यहाँ पे 4 बताई गई एंड कैटेगरी वाइज यहाँ पे आप देख ले सकते हैं, ओके। उसके बाद नीचे में फोर्थ नंबर में यहाँ पे जो पोस्ट दी गई डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग दी गई, जिसमें टोटल वैकेंसी आपको 4 बताई गई एंड जो क्वालिफिकेशन यहाँ पे बोला गया है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल यहाँ पे क्वालिफिकेशन बोला गया है। और यहाँ पे डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस की बात करें तो इसके लिए भी टोटल वैकेंसी आपको यहाँ पे 4 बताई गई है और यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी आपको यहाँ पे देखने को यहाँ पे शो कर रहा है। और जो क्वालिफिकेशंस का क्राइटेरिया यहाँ पे बोला गया कि यहाँ पे मिनिमम 2 सेकेंड क्लास फुल टाइम डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, तो यहाँ पे सेकेंड क्लास से अगर आप जो है डिप्लोमा पास किए होंगे तो आप कंप्यूटर साइंस में अगर तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और सिक्स में यहाँ पे डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे बोला गया, तो इसके लिए टोटल वैकेंसी आपको यहाँ पे 6 यहाँ पे बताई गई एंड क्वालिफिकेशन में आपको यहाँ पे डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग यहाँ पे बताया गया। एंड यहाँ 7 नंबर में आपका यहाँ पे बीएससी विथ केमिस्ट्री के लिए यहाँ पे निकाली गई है, तो इसके लिए टोटल वैकेंसी आपको यहाँ पे 16 बताई गई है एंड कैटेगरी वाइज भी आप यहाँ से अगर देख पा रहे होगे। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन की क्राइटेरिया यहाँ पे बोली गई बीएससी विथ केमिस्ट्री विथ मिनिमम 40% यहाँ पे, तो जो कैंडिडेट यहाँ पे अगर ओबीसी या फिर जनरल्स में अगर बीएससी में 40% अगर केमिस्ट्री से अगर पास किए होंगे तो आप जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और जो लोग एससी एसटी या फिर जो रिजर्वेशन में आते होंगे उसके लिए यहाँ पे ओनली फॉर पास यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। और एलएलबी के लिए यहाँ पे टोटल वैकेंसी यहाँ पे 2 बोली गई, जिसमें लोकेशन यहाँ पे चेंज हो गया। एलएलबी के लिए यहाँ पे गुवाहाटी यहाँ पे लोकेशन यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। और इसमें क्वालिफिकेशंस यहाँ पे डिग्री इन लॉ यहाँ पे बोला गया मिनिमम 40% के साथ। और यहाँ पे 9th नंबर में भी आपको एलएलबी के लिए भी यहाँ पे पोस्ट बोली गई, जिसपे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपको 2 बोली गई एंड इसमें जो आपका लोकेशंस यहाँ पे दी गई नुमलीगढ़ यहाँ पे लोकेशन दी गई, ठीक है। और इसके लिए भी यहाँ पे क्वालिफिकेशंस आपको डिग्री इन लॉ यहाँ पे बोला गया है। और जो लोग यहाँ पे होटल मैनेजमेंट से अगर आप अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो यहाँ पे उसके लिए टोटल वैकेंसी आपको गुवाहाटी लोकेशंस के लिए 2 बताई गई है और डिग्री में आपका होटल मैनेजमेंट का यहाँ पे 40% में होगा, तभी आप जो है होटल मैनेजमेंट के लिए आप अप्रेंटिस कर सकते हैं। और सेकेंड में भी आपका यहाँ पे जो 11 नंबर में बोला गया है होटल मैनेजमेंट के लिए, इसमें भी आपका जो लोकेशन आपको यहाँ पे नुमलीगढ़ यहाँ पे चेंज यहाँ पे बोला गया, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपका 2 बताई गई है। एंड आईटीआई वालों के लिए यहाँ पे जो बोला गया वेल्डर के लिए, तो इसके लिए टोटल वैकेंसी आपको यहाँ पे 7 यहाँ पे बताई गई। एंड आईटीआई फिटर के लिए भी यहाँ पे 6 बताई गई एंड आईटीआई मैकेनिस्ट के लिए यहाँ पे 6 बताई गई, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पहले आपका डिप्लोमा वालों के लिए था, उसके बाद यहाँ पे आईटीआई वालों के लिए यहाँ पे स्टेप वाइज यहाँ पे आपको दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लोकेशन जो आईटीआई वालों के लिए यहाँ पे दी गई है आपका नुमलीगढ़ ही यहाँ पे अप्रेंटिसशिप का लोकेशन यहाँ पे दिए गए हैं। और आईटीआई वालों के लिए यहाँ पे ट्रेड के अनुसार ही आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन यहाँ पे बोला गया, तो जिस ट्रेड से आप अगर अप्लाई किए करना चाहते हैं अप्रेंटिसशिप के लिए तो यहाँ पे मिनिमम 10th क्लास यहाँ पे मांगा गया है और
जो ट्रेड्स आप किए होंगे ITI उसका यहाँ पे सर्टिफिकेट यहाँ पे बोला गया है। उसके बाद नीचे में देखते हैं तो नीचे में आपका BCom विथ अकाउंटेंसी के लिए यहाँ पे बोला गया, तो जिसमें टोटल वैकेंसी आपको यहाँ पे 4 बताई गई। एंड इसके लिए जो क्वालिफिकेशन यहाँ पे बोला गया है BCom विथ अकाउंटेंसी, तो जो कैंडिडेट BCom अगर मिनिमम 40% से अगर पास किए होंगे तो आप जो है BCom विथ अकाउंटेंसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जो 18 नंबर BCom विथ अकाउंटेंसी फॉर गुवाहाटी लोकेशंस के लिए यहाँ पे दी गई, तो इसके लिए टोटल वैकेंसी आपको 8 यहाँ पे बताई गई। और 19 नंबर में आपको BA MA विथ मास कम्युनिकेशंस के लिए यहाँ पे बोलेगी, जिसमें आप टोटल नंबर और वैकेंसी आपको 2 बताई गई, लेकिन जो लोकेशंस यहाँ पे बोला गया इसमें लोकेशंस यहाँ पे गुवाहाटी आपको यहाँ पे दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद MBA के लिए यहाँ पे बोला गया, तो MBA के लिए यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी आपको 2 यहाँ पे बताई गई, जिसमें आपको लोकेशंस यहाँ पे गुवाहाटी यहाँ पे दी गई है। और यहाँ पे जो क्वालिफिकेशंस यहाँ पे बोला गया MBA विथ स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग मैनेजमेंट, तो यहाँ पे जो लोग MBA मार्केटिंग मैनेजमेंट से किए होंगे तो आप यहाँ MBA MKT पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और 21 में यहाँ पे जो पोस्ट दी गई डिप्लोमा इन फायर इंजीनियरिंग के लिए, तो जो लोग यहाँ पे डिप्लोमा इन फायर इंजीनियरिंग के लिए अगर अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो उसके लिए टोटल वैकेंसी आपको यहाँ पे 2 दिए गए। और इसमें जो लोकेशंस यहाँ पे दी गई है नुमलीगढ़ यहाँ पे लोकेशंस यहाँ पे दी गई है। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशंस आपको यहाँ पे बोला गया डिप्लोमा इन फायर इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 40% एग्रीगेट, तो जो कैंडिडेट का यहाँ पे डिप्लोमा अगर फायर इंजीनियरिंग से किए होंगे मिनिमम 40% के साथ अगर आप क्वालिफाई किए होंगे तो आप जो है डिप्लोमा इन फायर इंजीनियरिंग के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी निकाली गई है आपका अप्रेंटिसशिप के लिए 101 यहाँ पे टोटल वैकेंसी आपको यहाँ पे निकाली गई है नुमलीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड की तरफ से। तो और नीचे में आपको यहाँ पे सिलेक्शन का मेथोलॉजी यहाँ पे दी गई, तो आपको सिलेक्शन यहाँ पे किस टाइप यहाँ पे ली जाएगी, तो यहाँ पे फर्स्ट में आपको ए नंबर में जो बोला गया कि एलिजिबल अप्लीकेंट्स हु विश टू अप्लाई फॉर 1 ईयर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, तो यहाँ पे आपको 1 ईयर के लिए आपको अप्रेंटिसशिप यहाँ पे करवाई जाएगी। तो यहाँ पे इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट दी गई इसमें जाकर जो ये आपका अप्रेंटिसशिप का पोर्टल है इसमें जाकर आप इसका रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं और इसके आगे की प्रोसेस को आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एंड बी नंबर में आपको यहाँ पे जो बोला गया कि सिलेक्शन शॉल बी मेड ऑन द परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन द क्वालिफाइड एग्जामिनेशन, तो जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में आपका मार्क्स आया होगा उसके अनुसार ही आपको यहाँ पे सिलेक्शन यहाँ पे ली जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे में क्या यहाँ पे बोला गया ई नंबर में कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे अपलोड करना है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि स्टेप वाइज आपका टोटली जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं इसको आपको अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जी नंबर में जो बोला गया कि सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थ्रू ईमेल या फिर SMS, तो जिस टाइम आप इस फॉर्म को आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा ऑनलाइन कीजिएगा उस टाइम जो है अपना जो भी आपका ईमेल ID होगा या फिर जो मोबाइल नंबर होगा उसको आप अच्छे तरह से जो स्टार्ट होगा जो चालू होगा उसको ही आप भरिएगा, क्योंकि आपका जो वेरिफिकेशन जो डॉक्यूमेंट्स का कोड आएगा उसी में आपका जो ईमेल या फिर मोबाइल में आपका SMS के थ्रू आपका सेंड कर दिया जाएगा। तो आप जो है अपना जो ईमेल होगा उसको आप टाइम टू टाइम जो है रिफ्रेश करते रहना है और अपना जो मैसेज आता है SMS के थ्रू उसको आपको चेक करते रहना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ट्रेनिंग के बारे में यहाँ पे दी गई, तो ट्रेनिंग पीरियड आपको यहाँ पे 1 ईयर के लिए यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद इवेल्यूएशन की बात करें तो यहाँ पे जो स्टिपेंड आपको यहाँ पर मंथ आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी, तो यहाँ पे जो बोला गया कि इवेल्यूएशन आपको यहाँ पे जो प्रोवाइड की जाएगी मंथली स्टिपेंड के रूप में, तो जो कैंडिडेट यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट या फिर डिप्लोमा इंजीनियरिंग से अगर आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो उसके लिए 17,000 पर मंथ आपको यहाँ पे सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। और कैंटीन अलाउंस भी आपको यहाँ पे मिलेगा 1,415 आपको पर मंथ यहाँ पे अलाउंस कैंटीन अलाउंस भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद यहाँ पे जो लोग यहाँ पे ITI कैटेगरी से अगर आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे जो पर मंथ आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी 12,200 रुपये आपको पर मंथ सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। एंड जो अलाउंस दी जाएगी कैंटीन अलाउंस में भी आपका 1,415 रुपये आपको पर मंथ यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो आप जो भी अगर कैंडिडेट इच्छुक होंगे इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आएगा तो अपने साथ अपने दोस्तों को भी शेयर